when you do road trips. What's up guys, welcome back to the channel. I know मैं बहुत ज़्यादा travel कर रहा हूँ. कुछ टूट गया मम्मा का, कुछ तो गया, अभी डांट पड़ेगी. बट एनीवे कल मैं जा रहा हूँ देहरादून टू माई डैड विद माई सिस्टर मोटो ब्लॉग करके. कुछ टूट गया क्या मम्मा? हाँ क्या टूटा? कप तोड़ दिया. तो ये मोटरसाइकिल पर ट्रैवल करना तो सभी कर लेते हैं, बट टू नो मोर अबाउट मोटरसाइकिल हाउ यू कैन फिक्स इट बाय चांस कुछ टूट जाए. पूरा बेंड हो गया, अंदर चले गया. तो दैट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट. एंड उसके लिए आई कैरी ऑल द स्पेयर पार्ट्स, जंपर केबल्स. बाय चांस फ्यूल निकालना पड़े किसी की बाइक से, क्योंकि स्पीति वाले गया था मैं तब काम आ गया था. बट ये इंपॉर्टेंट है, ये सब मैं आपको लिंक पर डाल के दे दूंगा. तो आपको खरीदना है जो मैं यूज़ करता हूँ, पक्का करना है. एंड आई एम यूजिंग दीज टू बैग्स जो हिमालयन पे लगेंगे, और सारे स्पेयर पार्ट्स वगैरह वगैरह. तो अभी काफ़ी मेस्ड अप है और मम्मा गुस्से है. तो डे टू, तो गाइस अगला दिन हो गया है 6:40. सुबह उठना बहुत मुश्किल टास्क था मुझे, बट आई एम ट्राइंग टू वेक अप एवरी डे 7 बजे, क्योंकि अच्छी हैबिट है. सुबह उठ के काम कर लो सारे. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सुबह उठ के धूप सेकना थोड़ी सी जो अर्ली मॉर्निंग होती है. एंड उसके साथ आई ड्रिंक माय एप्पल साइडर विनेगर, बिकॉज इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ गुड हेल्थ बेनिफिट. प्लस ये मुझे उठा देता है क्योंकि थोड़ा खट्टा होता है. अभी मैं जसीना की वेट कर रहा हूँ, शी इज़ ट्राइंग टू वेक अप. लेट तो हो गए, प्लान था 6:45 निकलने का, बट उससे ज़्यादा ही हो गया. फ्यू मोमेंट्स लेटर, बैग टाइट है ना? हेलो, ओके मामा, टेक केयर. ओके अभी हम मम्मा को भी छोड़ते हैं ऊपर. तो गाइस वेलकम बैक टू द बाइक. आई होप मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही हो. इट्स अ ब्यूटीफुल डे. सुबह के 7:45 हो गए हैं. अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू लीव एट 6:40. तो एक घंटा तो पूरा वेस्ट हुआ एंड टाइंग अप दैट बैग्स. क्या हुआ? जीना GPS ऑन किए तो कहाँ जा रहे हैं हम? फिर 2 मिनट बाद रुकना, अभी सीधा रुकेंगे बाद में. सो गाइस आज संडे है तो therefore no traffic hopefully. अब जब हाईवे पे जाएंगे वहाँ पे आप देखना मिलता है या नहीं. सो मोस्ट प्रोबली वी विल रीच बाय 1 o'clock. मैंने शायद बहुत जल्दी गलत टाइम पे ये बोल दिया कि ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बिकॉज अभी तो स्टार्ट होते ही ट्रैफिक मिल गया यार. तो मैंने जसीना को यही बोला कि धीरे चला यार, लाइक टू स्पीड. बाइक मेरी 240 भी जाती है, 40 नहीं 200 भी जाती है, बट दैट डजंट मीन आई राइड एट दैट स्पीड. वी राइड एट सेफ स्पीड, सेफ्टी फर्स्ट ऑलवेज गाइज, ऑलवेज. क्या लग रही है यार ये बाइक जसीना की. आई लव रॉयल इनफील्ड फॉर श्योर. कावासाकी तो है हमारी ब्यूटीफुल, बट रॉयल इनफील्ड इज लाइक लेजेंडरी बाइक ऑफ इंडिया. जसीना क्या हुआ? वन से जाएंगे हम, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल रोड जिसमें आपको लेके जाऊंगा. सो स्टे ट्यून्ड. सो गाइस दिस इज केनाल रोड. है तो बहुत सुंदर, बट हमने शायद गलत टर्न ले लिया है एंड कावासाकी निंजा इज एक्चुअली स्ट्रगलिंग थोड़ा सा गड्ढों पे. क्या हुआ, निकल गया, टूट गया? यहाँ आगे आ जा यार. बस गया, अब ये इसके सॉकेट से ही गया है. तो मैं 40 किलोमीटर के अंदर ही हमारा पहला डैमेज हो गया वो ऑफ रोडिंग में केनाल रोड पे. एनीवेज जगह बहुत सुंदर है यहाँ पे, बट दिस इज इन केनाल रोड. अभी तो बहुत ही लंबा रास्ता है. तो गाइस वो तो फिक्स नहीं हो पाया, सो हमें निकालना पड़ा. सो नाउ आई विल बी द लीड बिकॉज द GPS इज हियर. बट क्या सुंदर जगह है मैन, रियली. So guys, I think we messed up by taking the wrong turn. I think the low roads, less traveled, are fun, really.
गाइस फाइनली वो गलत शॉर्टकट लेके थकावट ही हो गई और कुछ नहीं गाइस, बाइक मुझसे गिर गई है, भैया हेल्प करेंगे थोड़ी सी। नहीं नहीं बच गए, साइड में सरक गई। हाँ So guys, I crashed taking a U-turn on a muddy and a slopy terrain, which was my fault. So guys, this is exactly the place where I fell down. I was coming from here and trying to join the lane, and there was a truck which was coming from here really fast. So I lost my balance and fell down. I luckily escaped the truck, which could have actually killed me if I would have fallen on the other side. And 200 kgs on one leg is not possible. So I had to, you know, leave the bike there. And then came the damages. ठीक हूँ, मेरा वो टूट गया यार। नहीं नहीं थोड़ी सी उंगली पे लगी है। वो मेरे गियर नहीं, बाइक तो बच गई। वो तो टूट गया, मैं बच गया, तो गियर लीवर थोड़ा शायद देखना पड़ेगा। दो मिनट रुक ना, कॉन्सेंट्रेशन चले गया। मुझे कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा, रुक मिनट। बच तो पूरा गया भाई, बस वो गियर का लीवर टेढ़ा हो गया, वो लग नहीं रहा ठीक से। देख रही, ये बेंड हुआ ना, ये देख, ये पूरा बेंड हो गया, अंदर अंदर चले गया। बट इन द एंड आई एम सेफ, बस पानी वानी पी के चलेंगे भाई, बच गए। अब देखते हैं कहाँ तक जाएगी ये, होपफुली चल जाए। गियर ने बचाया भाई, भाई गियर ने बचाया एक्चुअली में, दैट इज व्हाई सेफ्टी फर्स्ट। दिल पे चोट लगी है भाई, ये देख के डेंट हो गया यार यहाँ पे। तू मजाक कर रही है, सर टूट गया, बहुत बुरा लग रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं करना। और चलो चलो, मैं रुक गया हूँ यहाँ पे, बिकॉज जसीना हैज स्टॉप्ड। वहाँ पे हमारा बैगेज का वो निकल गया। तो बताओ, तो मैं पूरे रास्ते ये सोचते गया कि ये डेंट कैसे ठीक कराऊँ। गियर तो ठीक है, ये तो हो जाएगा, बट वो जो डेंट लगा है ना, मैंने इतने प्यार से रखा है। बट चलो, तो इम्पोर्टेंट थिंग इज आई एम सेफ, मुझे कुछ नहीं हुआ। दैट इज व्हाई सेफ्टी गियर इज ऑलवेज, एंड बिल्कुल भी इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो जाए। देयर वाज अ गाय हु केप्ट पॉइंटिंग टुवर्ड्स अस, तेरे को भी रोक रहा था यार। हां, ही वाज ट्राइंग टू टेल अस कि दिस थिंग इज ब्रोकन। चले गया ना, मैं निकाल दिया सारा। ठीक है, हाईवे ज्वाइन करने का, होपफुली यहां पे कुछ ना हो प्लीज। ओके, इस टाइम मैंने सक्सेसफुली कर लिया। रुकते हैं थोड़ा, खाना वाना खाते हैं। कुछ नहीं ठीक हो सकता भाई, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। प्लीज, चोट तो नहीं लगी तुझे? वही बाकी, बट निंजा भी ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं है। कुछ नहीं ठीक हो सकता, अब सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं बिगाड़ा है मैंने। गाइस, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू रोड ट्रिप्स बाइक पे। भाई मैंने किया आज तक नहीं हुआ, ठीक है, होती रहती है। मेरी बाइक बाहर है, मैं तो पूरा ट्रिप उड़ गया था। ट्रिप मेरा वैसे ही उड़ गया था, बाइक पे बैठे बैठे सोच के हो गया भाई। तो भाई, अब रिमेनिंग 150 किलोमीटर पूरे करते हैं, होपफुली सेफली, और फिर डैड से मिलते हैं, चलते हैं अब। This guys, what the hell man, देखो गाइस, this is a truck जो ऐसे लग रहा है कि अभी एक्सीडेंट करेगा सामने से आके। दिस इज अल्टीमेट फनी। 50 किलोमीटर से बच्चे हैं, पेट्रोल भराते हैं भैया, टैंक फुल कर दीजिए। 89 रुपीज़ है प्राइस अभी, ये देखो पर लीटर बहुत ज़्यादा है। ट्रक कैसे इस छोटी जगह में आ सकता है? अगर ये आ गया तो बस सब फंसेंगे आप। चल चल,
ये देखो कौन है। हेलो क्या हुआ, कहाँ लगी चोट? बच गया वो जल्दी से, ये सब हो गया। ये तो उसमें तो डेंट होने चाहिए गाड़ी में। तो जैसे ना मैंने तेरे को बोला था वाइजर पहनने को, और अब देख अपनी शक्ल आने देखो। हम पहुंच गए डैड के पास फाइनली आफ्टर 3 months 2 months 2 months के बाद गाइस, अभी थक गए थोड़े से, रेस्ट करते हैं एंड बाइक को भी बाद में देखेंगे। रियल व्यू ये है, रियल माय गॉड भाई। चलो आने देखा, चलो यार चलते हैं। जिंदगी में पहली बार गिरा हूँ मैं आज। तू कितनी बार गिरी है? 3 बार, वो भी भाई खड़े खड़े करते हैं भाई हमारा। अच्छा है भाई, खड़े खड़े ठीक है, कभी नहीं खड़े खड़े हमेशा। हाँ यार, अरे भाई यहाँ बताओ कहाँ हम, वो देखो वो हेलीपैड, धोने जाने दे यार ये देखो वो हेलीपैड जहाँ से डैड हेलीकॉप्टर ऑपरेट करते हैं अपना सो फेमस। मैंने आपको डैड से मिला दिया फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो कमेंट में उनको हाय जरूर बोल देना, वो देखेंगे। एंड उनको बोलता हूँ यूट्यूब पे थोड़ा सब्सक्राइब नहीं, कमेंट के रिप्लाई करे। यार मेरे चश्मे में सीन हो गए, तेरे पहले डेंट होते हैं फिर चश्मे खराब होते हैं, डेंट ठीक हो गए अभी, बच्चे पूछ रहे थे। You see the dent on my forehead? कहाँ पे डेंट आ गए? ठीक हो गया। आपने स्कूबा डाइविंग में नहीं देखा तो जसीना के सर पे ना डेंट आ गए थे, जैसे मेरा तो परमानेंट है। बेस्ट पार्ट अबाउट जहाँ पे हम है द सनसेट, जैसे आपको मैंने सुबह दिखाया सनराइज पे, सनसेट पे भी सेम थिंग, थोड़े दिन सो के अंदर एनर्जी सीज द डे, वैसे ही काफ़ी कुछ हुआ था हमारे साथ आज जैसे देखा आपने। और आज का लेसन क्या मिला हमें? मेरे रिफ्लेक्टर्स के बारे में। ये मैं गिरा वो कुछ नहीं, राइड सेफली, ऑलवेज वेयर योर गियर एंड बी वेरी केयरफुल ऑन द रोड गाइस। हाँ गाइस, और कभी भी कुछ भी हो सकता है, लकीली नथिंग हैपन, टच वुड कभी ऐसे ना हो, बट यस। तो सेफ्टी गियर्स ऑलवेज, हेलमेट तो सबसे इम्पोर्टेंट, और बस लाइक कर देना वीडियो अच्छा लगा हो तो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इसका भी चैनल आने वाला है तो देख लेना जल्दी। सो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, मेरा तो कर ही देना। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखा ही है ना हमने, भाई का स्कूबा डाइविंग से ही तब से चल रहा है जोश। ओके गाइस, सी यू लेटर।